नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अंतरिक्ष दुनिया में भारत की एक और बड़ी कामयाबी, भारतीय वायुसेना के G7A सैन्य संचार उपग्रह होगा लॉन्च। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ छुट्टी पर पहुंचे शिमला, हिमाचल के मस्त वादियों का उठाया लुत्फ। राजस्थान CM अशोक गहलोत के लिए सिरदर्द बनी किसानों की कर्ज माफी, सरकार का खजाना खाली कर गई वसुंधरा। बुलंदशहर गोकशी मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में कबूली को हत्या। राजधानी के भोपाल पुलिस ने कोयफिजा में किया सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 3 युवतियां 4 युवक गिरफ्तार। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अंतरिक्ष दुनिया में भारत लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। आज फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नया इतिहास रचने जा रहा है। इसरो आज भारतीय वायुसेना के G7A सैन्य संचार उपग्रह को लॉन्च करेगा। इसकी उल्टी गिनती मंगलवार को ही शुरू हो गई थी। इस सैटेलाइट को भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस उपग्रह का वजन 2250 किलोग्राम है। इसे रॉकेट लॉन्चर GSLVF-11 की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। इसरो इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से बुधवार शाम 4:10 पर लॉन्च करेगा। 5 राज्यों में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छुट्टियां मनाने शिमला पहुंचे। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और उनके बच्चों के साथ हिमाचल पर पहुंचे। मंगलवार को दोनों ने सोलन के तरनतारन ढाबे पर करीब आधे घंटे तक वक्त बिताया। यहां उन्होंने मैगी खाई और कॉफी पी। राहुल का ये दौरा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। दरअसल प्रियंका वांड्रा शिमला के सराबरा इलाके में अपना घर भी बनवा रही है। दोनों चंडीगढ़ होते हुए यहाँ पहुंचे। 5 राज्यों में कांग्रेस ने 3 राज्यों में सत्ता हासिल की। वहीं 2 मध्य प्रदेश और 36 में कांग्रेस पार्टी किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा कर चुकी है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत के शपथ लेने के 2 दिन बाद भी किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। हालांकि कर्ज माफी को लेकर अशोक गहलोत और पायलट ने अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव के साथ अफसरों की बैठक में अशोक गहलोत ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर खूब माथापच्ची की, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। दरअसल समस्या ये है कि राजस्थान सरकार के पास पैसा है ही नहीं। मौजूदा बजट में सरकार के उधार लेने की सीमा करीब 28,000 करोड़ रुपए है, जबकि वसुंधरा सरकार अब तक 24,557 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है। ऐसे में कर्ज माफी के लिए पैसा कहां से आए, ये बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कमान संभालते ही बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। उन्होंने पहले प्रशासनिक फेरबदल में 40 IAS अधिकारियों और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के तबादले कर दिए। पर्यटन और वन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका को मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया है। अब बता दें कि रांका को रीको के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इसके अलावा भी कई अफसरों और अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब गुजरात में उपचुनाव होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के जसदन विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए कल 20 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। 2017 में कांग्रेस से इस सीट पर कुंवर जी बावलिया ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब बावलिया कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए हैं, जिसके चलते उपचुनाव करना पड़ा है। बावलिया के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार अफसर नाकिया मैदान में है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी के बाद अब देश के किसानों में हलचल मच गई है। कांग्रेस शासित राज्यों की नई सरकारों के इस कदम से BJP शासित राज्य भी दबाव में है। किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते असम की BJP सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है, तो वहीं गुजरात की रूपाणी सरकार ने बिजली बिल माफ करने का कदम उठाया। गुजरात के बिजली मंत्री सौरभ पटेल ने कहा कि 19 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से ऐसे बिजली कनेक्शन से सभी बकाया राशि को माफ करने का फैसला किया गया है। BJP ने राफेल सौदे को लेकर राजधानी भोपाल के कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस का पार्टी पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राहुल गांधी राफेल सौदे पर झूठी जानकारी देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। बुलंदशहर हिंसा के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने गोकशी कबूल की है। गौरतलब है कि गोकशी के मामले में भीड़ ने पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी थी, जिसके आरोपियों की तलाश की जा रही है।
राजधानी के भोपाल पुलिस ने कोहेफिजा क्षेत्र में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने स्टीम जिम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर छापामार कार्रवाई की, जहां से टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 3 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते कार्रवाई की गई। राजधानी भोपाल के आसपास चौराहे पर बने मोबाइल टावर पर एक युवक ने चढ़कर आत्महत्या की कोशिश की। उधर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि युवक लखन शराब के नशे में टावर पर चढ़ा था, जिसे रेस्क्यू कर सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसको हम उतारने के लिए अभी इमरजेंसी में हमने ट्रेन बुलवाई है और जो DMI सेंटर से इसका जो रेस्क्यू टीम है वो भी रवाना है, तो 5 मिनट में पहुंच जाएगी। फिर इसको ऊपर से नीचे उतारा जाएगा और फिर इससे पूछताछ की जाएगी कि ये आखिरकार क्यों इस तरह से चढ़ा है ऊपर। ये पहले भी चढ़ चुका है क्या सर? अब वो अभी कंफर्म हो जाएगा, नीचे आने के बाद पता चलेगा कि ये पहले चढ़ चुका है कि नहीं चढ़ा। दिमाग से बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।